हमारा इस मसले में प्रोटेस्ट है, जो हमारी फैमिली को सुबह लेकर चले गए हैं, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है। अगर रेड वजह है, हमारी चौहदी में रेड मारा गया है दो दिन पहले, वहाँ जासमीन चौधरी घर में थे तब इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, ये चाहने की दो दिन के बाद मैं इस जासमीन की मैडम को अरेस्ट क्यों किया है, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। अगर जगह का कोई मसला है, ये हमारा तालाब घर है, ये सामने दिखाई दे रहा है, ये 13 किनाल 10 मरले है, यहाँ पे पंचायत घर भी है, जहाँ पे ईदगाह भी है, जहाँ पे ट्यूबवेल भी है, और यहाँ पे लोगों के जो माल मवेशी है, जहाँ पे पानी पीने के लिए यही रास्ता है। अगर ये जगह हमारी 13 किनाल 10 मरला निकाल ली जाए, रेवन्यू कुछ डिमांड में से हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारी तालाब की जगह निकाली जाए, उसके बाद जो जगह बचती है जिसके नाम है वो उसको दी जाए। लेकिन बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी फैमिली को परेशान किया जा रहा है, बाकी रेट बजा हम उसके खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ इस बात पे है जो हमारी फैमिली को क्यों परेशान किया जा रहा है। हमारी डिमांड यही है, सब बहन भाई जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम सब खड़े हैं, हम बहन भाई की तरह रहते हैं, हम एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, हमारी चौहदी को परेशान मत कीजिए, हमारे बीच में डिस्प्यूट मत डालें, हम बहन भाई हैं, हम सब हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी सब यहाँ पे खड़े हैं, सब मेरे भाई खड़े हैं, बहनें खड़े हैं, इसलिए कि हमारी बहन को वापस भेजा जाए। देखिए, मैं सोबत अली हूँ, कारपोरेटर वार्ड नंबर 74, यही एरिया है मेरा। जो एक रेड हुई परसों, रेड अलग चीज है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियली रेड है, जो भी है वो तौर तरीका अलग है। परसों क्या होता है, कल कोई कुछ लोग आते हैं लैंड ग्रैबर, यहाँ तालाब जो खुली जगह है तालाब की, इसको घेरने की कोशिश करते हैं। जो तालाब 200 साल पुरानी हिस्ट्री में हमारे हिंदू मुस्लिम आज इकट्ठे हुए, आज ही पता चला, कल कहीं अंधेरे में इन्होंने काम लगा के इसको इनक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी आपके ज़रिए यही अपील है कि इस चीज़ को देखा जाए, अगर वो कौन लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इसको इनक्रोच कर रहे हैं। हमारा आज हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे हुए हैं, हमारी कुछ पंचायत अडजाइनिंग एरिया के जो सरपंच साहिबान हैं, पंच हैं, वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होने का मकसद यही है कि पुलिस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस चीज़ की इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वो कौन लोग हैं जो मिलके यहाँ इनक्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जहाँ तालाब है, मस्जिद है, मंदिर है, यहाँ पंचायत घर है, ट्यूबवेल है, कल या परसों कुछ लोग आए यहाँ, इन्होंने बोल लगाया, जो भी है चारद्वारी करा के, हम यही चाहते हैं कि उनको रोका जाए, रोक के उन चीज़ को सलाखों के पीछे किया जाए। देखिए, हमें कल तो पता ही नहीं चला, आज ही पता चला है, आज लोग इकट्ठे हुए हैं। हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, डिपकॉम से भी मिलेंगे, तहसीलदार कंसर्न से भी हम मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, ऑफिशियल तरीके से मिलेंगे, जो भी चीज़ होगी उनके सामने रखेंगे कि इस चीज़ को रोका जाए, ताकि कोई हमारा माहौल हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है सदियों का, ये बना रहे, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बड़ी पीसफुल तरीके से आज यहाँ लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होने का मकसद यही है कि ये जो लोग हैं 200-200 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों को हरास ना किया जाए। थैंक यू।
इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए हैं सर, मेरी बात सुनो, कानून हमने लिए ही नहीं है। अब हम यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए किस चीज के लिए? प्रोटेस्ट सर जो चल रहा है, आप हमारे पास आए, बिल्कुल हमारे पास बात सर, आपको हम अपनी बात बता रहे हैं। देखो प्रोटेस्ट करने से पहले आप हमारे पास आए, आपने हमें अप्रोच किया सर, ऐसा मसला है कुछ, आपने बात की डायरेक्ट आप रोड पे सर, जब काम लगा रात को फिर आप कहाँ थे? रात आपने ये नहीं हमें बताया, नहीं जब रात को काम कर, अभी यहाँ पे जबरदस्ती जब स्टे लगा कैसे काम लग सकता है? स्टे नहीं है, कोर्ट की डायरेक्शन करते करते सभी को उठा के लेके जाएंगे तब हम आपके पास आएंगे। हम मतलब हमें कुछ भी कर रहा है तो आपके पास आना है। काम बंद हो गया ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आज सुबह ही काम बंद हो गया ना, करते करते बात कोई बात नहीं, आपने हमें बताया था वैसे मसला, हमने काम बंद करा दिया। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा, रेवेन्यू डिसाइड करेगा किसकी जमीन है क्या है, क्योंकि कोर्ट मसला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है आपका। कल वहाँ से ऊपर वाली पार्टी ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लाया हुआ था, कोर्ट की डायरेक्शंस के साथ उन्होंने काम किया, आज सुबह स्टे ऑर्डर आ गया, काम वही बंद करा दिया, ये भी बंद हो गया, क्योंकि मसला जब कोर्ट में जाता है हमको भी कोर्ट के ऑर्डर से चलना पड़ता है। अगर हमारे पास एक पार्टी कोर्ट का ऑर्डर ला रही है कि काम करना है, हमने सुनना है, हम आप लोगों के लिए बैठे हैं, आपके पास कोई ग्रीवेंस है हमारे पास आओ, हम आपको रास्ता दिखाएंगे कैसे क्या करना है। अपील है सर आपसे, हम सबकी जो एक साथ जो एक फीमेल को सर लेके गए हैं उनके बच्चे घर पे हैं, वो वापस आ गए होंगे, आपके कॉर्पोरेटर साहब आ गए थे, पूछ लो अगर सर आए, पूछ लो, कंफर्म करो ना, देखो फैक्ट्स को कंफर्म करना चाहिए, फैक्ट्स सर कॉर्पोरेटर साहब भी इधर ही हैं, बिल्कुल है, कॉर्पोरेटर साहब इधर ही हैं, जो भी है पूछ लो उनसे, जो आप बात कर रहे हैं ये लोग सर ऐसे नहीं कि आपके सामने बात लाइए, पहले हमारी नॉलेज में लाइए, डायरेक्टली आप लोग जमा हो जाएंगे, पीछे किसी को पता नहीं, वो गलत चीज होती है ना, हमने गलत चीज के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया एक सर, ये देखो प्रोटेस्ट करने से पहले बात रखी जाती है ना, अगर आप मेरे पास आए होते, मैडम ने सरपंच मैडम ने मुझे बताया तो सर ऐसा मसला है, मैं डील करता, मैं बात करता आपके साथ, अचानक आप रोड पे आ गए, मुझे तो इतना ही पता चला कि यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ इनका, आप मेरे का आपस चलो वो सर मिस्टेक है, आप कंफर्म नहीं किया वो मिस्टेक ना, हमारे पास आना चाहिए, वो मानते हैं हमारी मिस्टेक है। जब रेड पड़ी है सब कुछ हो गया है तो फीमेल का, फीमेल से सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, किसी फीमेल को घर से उठा रहे हैं आप? मुझे नहीं पता है, एक मिनट सर मैं बात कर रहा हूं, जब फीमेल को उठाया हम वेट करेंगे दूसरी फीमेल को उठाने के लिए, आपको ये चीज बता रहा हूं, उस चीज का मुझे नहीं पता है, आपको पता नहीं है तो फिर हमें करने दीजिए, जो हम कर रहे हैं हमें भी हक है सर, हमें भी राइट है, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं कि आज हमारे गांव में एक औरत को उठाया है, कल को किसी और को भी उठा सकते हैं, कोई सुने नहीं, कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है, ये गुंडागर्दी तो चल रही है, आप हमारे पास आए क्यों जाए सर आपके पास, हम मीडिया को बुलाए, आप सुने इनसे, अगर हम गलत कर रहे हैं तो कुछ हम इतने, एक मिनट, वो वाले गुजर थोड़ी हैं, वो अनपढ़ जिनको कुछ पता नहीं था, आज हम मीडिया के माध्यम से पूरी इंडिया को बताएंगे, देखो आर्टिकल 90 है जो हमें पूरी फ्रीडम है, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, चुप रहना सर, मैम एक बात सुनिए, अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है एक फीमेल को उठा के पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लोगे, छोटे छोटे बच्चे घर में, आपकी कौन सा राइट बता रहे हो हमें कि जी आपने चौकी के सर पेंच से वो उससे एसआई से हमने परमिशन लेनी है, क्यों लेनी हमने, हमारी माओ बेटो को उठा के लेके जा रहे हो आप और हम चौकी अफसर के पास जाएं, लो जी हमारी माँ को उठा लिया, हमारी बहन को उठा लिया, गुंडागर्दी है ये वो वाले गुज्जर नहीं है जिन्होंने पैसे चुराई थी और गर्दन आ गई, आज का गुज्जर गर्दन उठा भी सकता है और कटवा भी सकता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, और पूरी जमीने सारी जमीने चौधरी में, सारी प्रॉपर्टी चौधरी में, गुजरों के पास नौकरी है, गुजरों के पास प्रॉपर्टी है, गुजरों के पास कारें हैं, गुजरों के पास ये है, हमारे खानदान हमारे बुजुर्गों ने जंगलों में दिन रात गुजारी है और आज इस जमीन का रेट बना है, आज गुजरों के पास थार भी होगी, जहाज भी होगा, किसी की किसी में दम है तो बोले, बिल्कुल और हम ही बोले, आप क्यों जी हम परमिशन लेने जाए, आप पहले डीसी के पास जाए, हमारे राइट नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, गुंडागर्दी चलेगी, ये अगर हम कहां पे, अब ये बोल रहे हैं जी आपकी जो फीमेल को उठाया हमने भेज दिया, लाओ क्यों उठाया, पूछा उसे, मैम आप आई हो ना, आप सारे उठाए ने, हमारी फैमिली से पुलिस वाले जो एक रेड पड़ी उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, सारे हम सहमत है, पूरा गांव कह रहा है कीजिए इन्वेस्टिगेशन, जो गवर्नमेंट का काम है वो करना है उसने, कीजिए, एक फीमेल को उठाया क्यों उठाया, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अगर आपकी बहन को या आपकी बेटी को कोई उठा के ले जाए हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम चौकी अफसर के पास है, चौकी अफसर कौन है
जब हमारे घर में गांव में लड़ाई हो जाती है, चौकी अफसर घर में फोन पे बैठा हुआ, आएंगे जी शाम को आएंगे सुबह आएंगे, तब ये आते नहीं। अब इनकी अपनी वो पड़ी हुई है ना, इनको पूछताछ होगी कि पूरा गांव कैसे खड़ा हो गया, क्यों गांव में इधर रोड बंद हुआ है। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पूरा पूरा सिस्टम करप्ट हुआ है। हम बीजेपी को कुछ नहीं कह रहे, बीजेपी अगर पार्टी है तो वो अपना काम कर रही है, वो करेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर प्रॉपरली कीजिए ना, किसी की फैमिली को क्यों अरेस्ट करें। आप ये सरपंच बता रहा है कि यहाँ पे आज से इतने साल पहले यहाँ से जानवर निकलते थे पानी पीने के लिए, यहाँ पे सिख का भी रहता था, हिंदू भी, मुस्लिम, सभी जानवर जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सर गुजरों के जानवर जाने दो जी, हिंदुओं के नहीं जाने दो। आज बदमाशी तो हो रही है ना, रातों रात खंभे लग रहे हैं, उधर से पूरी पूरी फैमिली को उठा रहे हैं, आपके बच्चे छोटे और आपको पुलिस लेके जा रही है, उस लड़की का क्या कसूर है? ये गुंडागर्दी नहीं, और क्या कौन सी गुंडागर्दी है? जब सटे लगे गवर्नमेंट का वो लट्ठा गुआचा हुआ है, इनको कहां से लट्ठा मिल गया? आज लट्ठे मिल रहे हैं इनको, 1947 के लट्ठे कहां थे? चले ना हमारे पूरे गांव की इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो इलीगल, एक मिनट, जो इलीगल जमीनें ले लो, हम खुद देते हैं जी, हमारे पास इलीगल जमीनें मिलती है। कहां जमीनें मैम, कहां भी जमीनें, दो दो चार चार कनाले जमीन है, उसमें घर बनाए हुए, खेती बाड़ी कर रहे हैं। अगर गुजरों ने डेवलपमेंट की है, उन्होंने अपने दम से की है, उन्होंने अपनी जमीनें बेच के अपने घर बनाए, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इनको क्यों इतनी सरदर्दी हो रही है कि गुजर करके जी, गुजर करके, गुजर खा गए, गुजर ये करके कर रहे हैं ना, गुजर कौन ये कह रहा है कि गुजर ये करके, गुजर सारा डिपार्टमेंट कर रहा है, सारे लोग कह रहे हैं, सभी कर रहे हैं, जितनी भी पार्टियां चल रही हैं, सबकी नजरें गुजरों की प्रॉपर्टी पे। मैं ओपनली कह रहा हूँ, गुजरों की प्रॉपर्टी पे इनकी तगड़ी से तगड़ी नजर है, मगर होना वही है जो हम चाहेंगे। ये नहीं कि हम ये भी कह रहे हैं कि अगर इलीगल तरीके से कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन हो भी रही थी तो ये कौन सा मसला हो गया कि किसी के फैमिली को उठाओ, किसी की जमीन को कब्जा कर लो, किसी को ये करो, किसी को वो करो। जो रेट पड़ रही है उसमें आपको कोई, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नहीं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो हर डिपार्टमेंट करता है, वो करना भी है। बात भैया ने, सीनियर ने बात की होगी, हो सके हमारी फैमिली के फ्लो में कुछ चीज़ें गलत भी होंगी होंगी, क्योंकि माइंड आप कह सकते हो डिप्रेशन में चले जाता है, क्योंकि ऐसे कहें हम तो ऐसी चीज़ को फैमिली को लेके इंसान क्योंकि संभाल नहीं पाता इस चीज़ को, जज्बाती उस चीज़ से कुछ चीज़ें इन्होंने गलत कह दी हो। आप मेरी यही दरख्वास्त है, आप उस चीज़ को हाईलाइट ना कीजिए, आप रूल की चीज़ें, क्योंकि कुछ चीजें मुझे पता होगी वो आपको नहीं होगी, हो सके आपको पता हो, इन्होंने कुछ बोलने पे स्पीक करने पे हो सकता है लिटिल बिट कोई चीज इनसे स्किप होगी, हो जाए इन्होंने बड़ा चढ़ा के बोल दियो कि नाम ज्यादा मेंशन करके, चलो हमें लगा क्योंकि घर की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा डिप्रेशन ही हो सकता है। कौन सी महिला को लेके गए? वो हमारी मतलब भाभी लगती है, वो उनको लेके गए, चलो उनको लेके गए, कुछ हर्ज नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए होंगे, ये उनके छोटे बच्चे हैं, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि भाई अगर घर से कुछ ना निकला उसके ऊपर रेट के ऊपर, अब एक फीमेल को लेके कस्टडी में रखना, चलो वो करेंगे कुछ तो घर पे बच्ची हैं जो, उस वे से हम कह रहे हैं और कुछ नहीं, कोई नहीं रोड आ उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, कोई आपत्ति नहीं है, पर यहाँ पर जो सवाल ये लोग उठा रहे हैं, कह रहे हैं जो महिला को कस्टडी में लिया है वो हमें सही नहीं लगता है, इसीलिए हम रोड बंद किए हैं और हम बिल्कुल सामने आए हैं। जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल इतना मकसद था इलीगल प्रॉपर्टी है तो रेड करनी है, आप रेड कीजिए, वो भी हमें कोई आपको इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, कहीं ना कहीं यहीं पर ये लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी जो भी उन्होंने बोला कहीं ना कहीं सही नहीं था, वो चीज़ कर करेगा।
यहाँ पे बहन भाई इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट में खड़े हैं सुबह से कि हमारे घरों पे ये कब्जा कर रहे हैं और हमारी ईदगाह पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे तालाबों पे कब्जा कर रहे हैं, हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये हमारी मस्जिदों पे कब्जा हो रहा है, हमारे घरों में कब्जा हो रहा है, हमारे पंचायत घरों में कब्जा हो रहा है, ट्यूबवेल पे कब्जा हो रहा है, इसलिए हम सब ये रोड बंद करके बैठे हैं। और सर परसों जो रेड वगैरह मरवाई गई वो ठीक है, वो इन्होंने इसीलिए मरवाई गई ताकि ये लोग यहाँ पे कब्जा कर सके। यहाँ पे लोग 100-100 साल से बैठे हुए हैं, ठीक है, ईदगाहों पे कब्जा कर रहे हैं, घरों पे कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की चोरी है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन गुंडा कर दिया, अभी तक आया कोई नहीं यहाँ पे, ठीक है, पूरा है। हम क्या इंसाफ चाहते हैं सर, हमें क्या करो, जहाँ तो गोली मार दो, ठीक है, सारों को, और यहाँ कब्जा कर लो, दो चीज हो सकती है, ऐसा थोड़ा होगा। अगर इनका लट्ठा ये जो रेड इन्होंने परसों मरवाई इसीलिए मरवाई कि ताकि ये कब्जा कर सके यहाँ पे, ठीक है ना, इसीलिए ये सारा किया। कमिश्नर तक सब मिले हैं इनके साथ, रेवेन्यू सब मिला है, ये सब कब्जा हो रहा है। तब अगर इनका लट्ठा घूम है, इनको निशानदेही किसने करके दी है? इनको निशानदेही करके देनी चाहिए, पहले पटवारी तहसीलदार वगैरह सब गुरुद्वारा आने चाहिए। कल ही हमारी मस्जिदें भी यहाँ पे कब्जा करेंगे। पुलिस कमिश्नर रेवेन्यू का सब ये सब इनकी सब एक ही चाल है, ये सर एक साजिश के तहत सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है, एक साइड से रेड मरवा रहे, एक साइड से कब्जे पे करने लग पड़े, ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए सर। जो है कल को ये माँ यहाँ पे घरों पे आके बोलेंगे जी निकलो यहाँ से, 100-100 साल से, 200-200 साल से यहाँ पे लोगों का कब्जा है, क्या करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे सर? 30 साल औरतों को उठा के लेके जा रही है पुलिस, हैं? 30 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, 30 साल उम्र हो गई है मेरी, मैंने कभी सिख को कभी यहाँ देखा नहीं है, पहली बार देखा है। हम इससे चौधरी के रहने वाले हैं, हमारे दादे बाबे से इधर रह रहे हैं, ये तला आज का नहीं है, दादे बाबे से आगे पता नहीं कितनी सती का है। आज ये जगह इतनी जगह आज गवर्नमेंट ले रही है, आज दूसरे आ रहे हैं, आज दूसरे कहाँ से जाके, ये प्लाट कैसे मिलोया, ये इधर कब्जा कैसे होया, कल परसों इधर रेड बजा, कल के ये आ गए है, ये मालिक बन गए, कैसे मालिक बन गए, जो मालिक है वो बेघर है, जो घर नहीं बेघर है वो मालिक हो गए, कैसे मालिक बन गए, क्यों किसी को तंग कर रहे हैं, क्यों किसी और एस्टिमेट कर रहे हैं, लड़कियों को बहनों को घरों में परेशानी है, इतनी परेशानी है, दुनिया काम करती है, कोई एक जासमीन नहीं काम करता, दुनिया काम करती है, हमने इसको बोलते हुए उसे एक किया दो किया, ए रेवेन्यू मैकड़ा चोर है, हम खुद बोलते हैं, हम सोशल वर्कर है, ऐसे नहीं है, हमने ये करना है, तलाक को कैसे लगाया इन्होंने, पोल कैसे लगाए आगे, कैसे तारबंदी कर रहे हैं, कैसे पुलिस उनके खड़ी हो रही है, क्या कमजोर सारा लग रहा है, ये जगह ये प्लाट कैसे इन्होंने घेरा, कैसे रातों रात आई, क्यों नहीं पुलिस पूछती, क्यों नहीं रेन महकमा पूछता, इसके लगे हैं इसके, क्यों इनको पहले जाग नहीं आई, पहले क्यों नहीं जागे, इनको कल परसों का क्यों जाग आई है, क्या है, क्या वजह क्या है? ऐसे मोदी बोलता है, ये तला है जो, इनको ये करो वो करो, उन तलाओं को कब्जा कर रहे हैं, तारे लगा रहे हैं, लोगों का रास्ते बंद कर रहे हैं, जो पशु माल पानी पीन आएगा कहाँ से आएगा, ये पचैंद घर को भी घेर रहे हैं, सबको घेर रहे हैं, कितनी जगह है, 13 कनाल कुछ मरले है, वो कहाँ गई, पहले क्यों नहीं इन्होंने देखी, मेरी 75 साल उम्र है, मैं इधर की हूँ, ये आज का तला नहीं है, ये आज की जगह नहीं है, जो ये ले है, जो हमारी माल की है, हमारी जगह है, हमको क्यों रिहासमेंट कर रहे हैं, बच्चों को क्यों रिहासमेंट कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, स्टेल लगा है, क्यों आए हैं, उन्होंने कैसे रातों रात जीसीपी लगाई, कैसे रातों रात चार द्वारी की थी, है ना, ये पूछना चाहिए, हम हर किसी को यही करेंगे, इस बात को किसी के ये नहीं मुलाजम उसको हम ये करेंगे या मोदी, इसको लेना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए, फिर देखना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं आई है, और हमारी ये दियों बहनों को रेस्टमेंट मत करो, जो कानूनी कर रही है करो, उसको नहीं हम बोलते, परेशान हो बाकी यही हम थम सारा, हाँ अगर कोई भी हो अगर जास्ती करेगा फिर लोग इकट्ठा हुए इस करके, क्योंकि किसी को परेशानी नहीं आवे, अभी देखिए परेशानी ये है कि पहले भी हम बोल चुके हैं लेकिन एक बार फिर से हम ये बोलना चाहते हैं, जो ये लैंड है एक आदमी की ज़मीन नहीं है, इधर 50 घर डिस्टर्ब हो रहे हैं, 50 फैमिली जो 100-100 150-150 साल से यहाँ रहते हैं, यहाँ
हर बरादरी के लोग रहते हैं, हिंदू भाई रहते हैं, सिख भाई रहते हैं, मुस्लिम भाई रहते हैं, सब लोग रहते हैं। ये एक आदमी का मसला नहीं है, ये 50 लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं जो 150-150 साल से यहाँ के रहने वाले हैं और रह रहे हैं। कौन लोग हैं जो रातों रात आन के कोई खुली ज़मीन देखी आके इनक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी ये पंचायत की तरफ से, बाढ़ की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से, ये हमारे एडजाइनिंग एरिया सब लोग इकट्ठे हुए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठा होने का मकसद यही है कि अगर दोबारा ऐसी यात्री हुई तो ये लोग सबके सब रोड नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जागे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जागे, पुलिस डिपार्टमेंट जागे, डिपकॉम से, डीसी से हमारी यही अपील है कि ये हमारा भाईचारा बना रहना चाहिए। इसकी तब्जीके कौन लोग हैं जो इस चीज़ को, हमारे भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये 50 लोग जो 100-100 साल से यहाँ रहते हैं, 150-150 साल से यहाँ रहें, उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो लैंड, तालाब, पंचायत घर, मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, PHE, ट्यूबवेल, सब लैंड, रोड की भी, रोड की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट रोड की भी यहाँ इन्होंने दिखाई है। हम यही चाहते हैं कि इस चीज़ को पूरा प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तफसील करें। थैंक यू जी।